नमस्कार। तो चलिए, पोषण ट्रैकर ऐप में एक और न्यू अपडेट आ गई है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पोषण ट्रैकर ऐप का जो ये न्यू अपडेट है वो 21.0 का आया हुआ है। ठीक है, पिछला जो अपडेट था वो 20.9 का अपडेट आया हुआ था। तो चलिए 21.0 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप को यहाँ से काट देंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्ले स्टोर ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर लिख के सर्च करने के बाद आपके सामने अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको अपडेट कर लेते हैं। तो पोषण ट्रैकर ऐप हमारा अपडेट हो चुका है, आप सभी लोग इसको अपडेट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ हम लोग एरो पे क्लिक करेंगे और जानेंगे कि आप लोगों के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण अपडेट दी गई है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ वर्जन देख लेते हैं। 21.0 का ये लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। अब यहाँ पे व्हाट्स न्यू में आप लोग देखेंगे कि चार महत्वपूर्ण अपडेट दी गई है आप लोगों के लिए। जो लास्ट वाला अपडेट है ऐप ऑप्टिमाइजेशन, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तीन जो महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं उसके बारे में बताएंगे क्या है और कैसे आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में ये अपडेट देखने को मिलेंगे। आपको एक चीज़ और बता दें कि पोषण ट्रैकर ऐप जब आप लोग अपडेट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको तो चार ही अपडेट देखने को मिलेंगे, लेकिन पांचवा एक और अपडेट है जो आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप पे जाके देख पाएंगे। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आई है आप सभी के लिए। पहला जो अपडेट है फैमिली नंबर जनरेशन इन फैमिली सर्वे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में फैमिली सर्वे का जो एक मॉड्यूल दिया गया है उसी में ये अपडेट आया हुआ है कि जब आप लोग फैमिली सर्वे करेंगे तो उसमें आपको सीरियल नंबर से लाभार्थियों की संख्या दिखाई जाएगी। ठीक है, दूसरा जो अपडेट है वो ऐप टेकिंग टाइम इशू फिक्स इन THR एंड SCM स्क्रीन। यानी कि जो दूसरा अपडेट है आप लोग देखते होंगे THR और SCM करते हैं तो वहाँ पर ये मैसेज लिखा हुआ आता है ऐप टेकिंग टाइम, तो उस मैसेज को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, यानी उस प्रॉब्लम को अब यहाँ पे ठीक कर दिया गया है। ये मैसेज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तीसरा जो अपडेट है बग फिक्सेस इन KYC प्रोसेस प्रोफाइल स्क्रीन फॉर AWW। यानी जब आप लोग KYC करते हैं तो वहाँ पे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रोफाइल है उसमें कुछ बग देखने को मिल रही थी तो उसको भी फिक्स कर दिया गया है। चौथा है ऐप ऑप्टिमाइजेशन, जो कि आप लोगों को पता है ये हर बार आता है अपडेट के साथ। ठीक है, तो ये चार महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को यहाँ पे दी गई है। पांचवा जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो आप लोगों को हम पोषण ट्रैकर ऐप पे चल के दिखाएंगे। ठीक है, तो सभी सेविका बहन पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट जरूर कर लीजिए। चलिए हम अपडेट कर चुके हैं तो इसको ओपन करते हैं। तो पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप का होम पेज खुल के आ जाएगा। होम पेज पे आप लोगों को एक एक्शन सेंटर देखने को मिलेगा जहाँ पे फैमिली सर्वे का मॉड्यूल आप लोगों को दिखाई देगा। इसी मॉड्यूल में आप लोगों का जो पहला अपडेट है वो आया हुआ है। जैसे कि इसमें जो अपडेट आया हुआ है कि जब आप लोग किसी भी लाभार्थी का सर्वे करेंगे फैमिली सर्वे तो उसमें नंबर वाइज आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि 1, 2, 3 ऐसे कुछ करके आप लोगों को वहाँ पर दिखाई देगा जो भी लाभार्थी होंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये जो ऑप्शन है वो ओपन नहीं हो रहा है। चलिए हम नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं, जो दूसरा अपडेट है। जैसे कि दूसरा अपडेट आप लोगों को यहाँ पे डेली ट्रैकिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, डेली ट्रैकिंग में जो आप लोगों को ऐप टेकिंग टाइम का जो मैसेज देखने को मिल रहा था THR में चाहे SCM में, वो ऑप्शन आप लोगों को हटा दिया गया है। हम यहाँ पर THR और SCM वाले पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, 6 मंथ से 3 ईयर्स के जो बच्चे हैं जिनको हम लोग THR देते हैं, जैसे कि इनकी कैटेगरी को हम लोग ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जब आप लोग THR सबमिट करते थे तो आप लोगों को इस प्रकार से एक मैसेज देखने को मिलता था, जैसा कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ऐप टेकिंग टाइम। तो ये जो मैसेज है आप लोगों को अब यहाँ से हटा दिया गया है। आप लोगों का जो THR और SCM है अब एक ही बार में आसानी से सबमिट हो जाएगा, अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे हम SCM वाला ऑप्शन भी ओपन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जैसा कि हम लोग यहाँ पे कुक मील पैकेट जो भी होता है हम लोग यहाँ पे भरते हैं। भरने के बाद जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे तो आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही थी ऐप टेकिंग टाइम का जो मैसेज आ रहा था वो मैसेज अब आप लोग को इसमें भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये दूसरा अपडेट आप लोगों को इस प्रकार से देखने को मिलेगी। लोग बढ़ते हैं तीसरे अपडेट की ओर। जो तीसरा अपडेट है जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के प्रोफाइल में जो बग हो रही थी उसको यहाँ पे ठीक किया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये जो सेविका का प्रोफाइल है इसको हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओपन करने के बाद देख सकते हैं कि इनका जो है KYC कम्प्लीट हो चुका है। अगर आप लोग भी अपना KYC नहीं किए हैं तो आप लोग जल्द से जल्द अपना KYC कम्प्लीट कर लीजिए। KYC कैसे करना है इसके रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, उसको देख के आप लोग आसानी से KYC कर सकते हैं।
तो ये तीसरा अपडेट यही है कि इसमें जो आप लोगों को बग हो रही थी उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, चलिए हम आंगनवाड़ी सहायिका का भी प्रोफाइल ओपन करके दिखा देते हैं, अपडेट AWH प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही इसको हम लोग ओपन करेंगे तो देखिए अभी इनका जो है EKYC नहीं हुआ है। ठीक है, तो इनका भी हम लोग EKYC जल्द से जल्द कर लेंगे। ठीक है, तो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के प्रोफाइल में जो बग हो रही थी उसको यहाँ पे ठीक कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तीसरा अपडेट हो गया। चौथा अपडेट ऐप ऑप्टिमाइजेशन है, जिसके बारे में हमने आपको बताया है कि हर अपडेट के साथ ये अपडेट आता रहता है। ठीक है, और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि पांचवा अपडेट जो है आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करने के बाद दिखेगा, तो आप लोगों को बताते हैं जो पांचवा अपडेट है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। देखिए ये पोषण ट्रैकर ऐप में जो अपडेट आया हुआ है वहाँ पे आप लोगों को ये ऑप्शन, ये अपडेट नहीं दिखाया गया था, लेकिन जब आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लेंगे तो ये अपडेट आप लोगों को मोर वाले ऑप्शन में आने के बाद देखने को मिलेगा, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट न्यू, यानी कि ये नया अपडेट आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि तीन ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे खुल जाएंगे, पेंडिंग, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड। जब आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में किसी भी लाभार्थी का न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों का सारा डेटा सही होता है तो यहाँ पे उस लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर कोई डाटा मिसमैच होती है तो उसको यहाँ पे पेंडिंग वाले ऑप्शन में रखा जाएगा। तो ये पांचवा अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों के पोषण ट्रैकर ऐप में ये पांच महत्वपूर्ण अपडेट आए थे। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे होम पेज पे आ जाते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में दिखाया था, जो पहला अपडेट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो अभी भी इस प्रकार से सर्चिंग कर रहा है, घूम रहा है। तो क्या आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है अपडेट करने के बाद, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।